भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में पिछले साल तख्तापलट के बाद से ही अशांति बनी हुई है, जो अब एक और नए गृहयुद्ध में बदल गई है, जिसमें एक ओर है सेना और दूसरी ओर लोकतंत्र समर्थक आम लोग। ये आम लोग जिन्होंने सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। हथियार उठाने वालों में छात्र, नौजवान, महिलाएं सभी शामिल हैं। चारों ओर से सेना के दमन के बावजूद क्यों उठा रहे हैं आम नागरिक हथियार, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। म्यांमार में एक नया गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, जो गांव सेना विरोधी लड़ाकों का समर्थन कर रहे हैं। सेना उन गांवों को निशाना बना रही है। हाल के दिनों में सेना ने कई गांवों पर छापा मारा है और उनमें आग तक लगा दी है, जिसकी वजह से लगभग 5,000 लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। आइए जानते हैं कि आखिर संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। आम चुनाव में आंग सान सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की भारी जीत के बाद सेना ने पिछले साल फरवरी में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके विरोध में म्यांमार की सड़कों पर उतरकर आम लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सेना ने प्रदर्शन को दबाना चाहा, जिसके जवाब में सैन्य बलों पर हमले शुरू हो गए और अब पूरे देश में गृहयुद्ध छिड़ गया है। सेना ने 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है और ऐसे कई गांव को चला दिया जहां उन्हें लगता है कि वहां सेना विरोधी लड़ाकों को समर्थन दिया जाता है। ये लड़ाके पीडीएफ यानी कि पीपल्स डिफेंस फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें समर्थन देने वाले 100 से ज्यादा गांवों को आंशिक या फिर पूरी तरीके से जलाकर तबाह कर दिया गया है। सेना ने विद्रोह को दबाने के लिए 5,500 से ज्यादा असैन्य इमारतों को भी ढहा दिया है। म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए आम नागरिक भी लड़ाके बन रहे हैं, जो सैन्य शासकों को लगातार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। पिछले साल फरवरी में आंग सान सू ची को हटाने वाले सैन्य तख्तापलट के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू हुए जन आंदोलन अब एक सशस्त्र विद्रोह में तब्दील हो गया है। बीबीसी को आम लोगों के एक ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचने का मौका मिला और ये वो लोग हैं जो रूस और चीन से मिल रहे हथियारों से लैस एक प्रशिक्षित सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए रेबिका हेंशके की ये रिपोर्ट। म्यांमार के घने जंगलों में इस विद्रोही सैन्य शिविर में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को सैनिकों के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उनमें से एक है 20 साल का म्यो। उसने अभी ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी जब सेना ने पिछले साल फरवरी में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मैं अपना खुद का बिजनेस चलाना चाहता था। मैं अपना घर भी खरीदना चाहता था। मैं शादी करके अपनी पत्नी के साथ वहां रहना चाहता था और एक ईमानदार जीवन जीना चाहता था। वो मेरा सपना था। म्यो पीडीएफ यानी पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो गया। ये सिविल मिलिशिया समूहों का एक नेटवर्क है। वसंत क्रांति की धीमी पड़ती आंच से इस सशस्त्र विद्रोह का जन्म हुआ था। जनरल मिन आंग लैंग के तख्ता पलट ने आग में घी डालने का काम किया। एक जन आंदोलन, तख्ता पलट और देश के चुने हुए नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध। म्यो इस आंदोलन का हिस्सा थे। हम शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया। हमने फैसला किया कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। वो इसी के खिलाफ हैं। जनरल मिन आंग लैंग शक्तिशाली सेना की कमान संभालते हैं। रूस और चीन उन्हें हथियार सप्लाई कर रहे हैं। वो प्रतिरोध को कुचलने की कस्में खा रहे हैं, उन्हें जिन्हें वो आतंकवादी बुलाते हैं। हम उन्हें मिटाते रहेंगे जब तक देश स्थिर नहीं हो जाता। कोई भी देश या सेना आतंकवादियों से बातचीत नहीं करती। सेना और विरोधियों के बीच रोजाना झड़पें हो रही हैं। पीपुल्स डिफेंस फोर्सेस मोटे तौर पर डोनेशन से चलता है। संसाधनों की कमी है।
म्यो के कैंप में पर्याप्त हथियार नहीं हैं, तो उन्हें और सचेत रहना होगा। अपनी ट्रेनिंग के अंतिम हफ्तों में वो बंदूक उठा रहा है। वो मेरा पहला शॉट था और मैंने ठीक निशाने पर हिट किया। असल में मैं बता तो नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, पर मैं बहुत खुश हूं। म्यो को अब म्यांमार सेना के खिलाफ उसके पहले मिशन के लिए भेजा जा रहा है। उसकी यूनिट एक सुदूर सैन्य चौकी पर घात लगा रही है। इस छापेमारी ने सैन्य जवानों को सख्ते में डाल दिया है। वो वर्दी में नहीं है। लड़ाई के दौरान म्यो का दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया था। लड़ाई के बाद हम उसे ले गए। उसे चिंता थी कि वो बच नहीं पाएगा, इसलिए हम सोने या खाने के लिए कहीं रुके, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अफसोस, हमें उसे सड़क किनारे ही छोड़ना पड़ा। उसका नाम फोलोन था। जब उसकी मौत हुई, मैं पूरी तरह टूट चुका था। हम बहुत करीब थे। अपने दोस्त को खोने के कुछ ही समय बाद मेयो को दोबारा लड़ाई के मैदान में भेजा जा रहा है। उन्होंने मेरे दोस्त और मेरे शिक्षक को मार डाला। मैं बदले में उन्हें मारूंगा और मैं जीतने के लिए लड़ूंगा। अगर मैं युद्ध में नहीं मरा, मैं अपने सपने को जीऊंगा। तो म्यांमार में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। और जनरल मिंग आंग लैन ने पिछले साल अप्रैल में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान नेताओं से मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के दौरान जनरल मिन की आसियान नेताओं के साथ 5 बातों पर सहमति बनी थी, जिसमें शांतिपूर्ण समाधान के लिए हिंसा को रोकने और संवाद शुरू करना भी इसमें शामिल था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि जनरल मिंग ने पीडीएफ और सूची की पार्टी के सांसदों के साथ बात करने से ही मना कर दिया। लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सूची पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। पिछले ही महीने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें और 5 साल की सजा सुनाई गई। उन पर 6 लाख डॉलर्स नकद और 11 किलोग्राम सोना रिश्वत के तौर पर लेने का आरोप है। सूची ने इस तमाम आरोपों से इनकार किया है।